आज बात करते हैं बर्नआउट सिंड्रोम के बारे में। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत जगह ऐसा दिखाई देता है कि काफी लोगों में ऐसा दिखाई देता है कि उनको बर्नआउट सिंड्रोम हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? होता क्या है कि कोई लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई बहुत मेंटल टेंशन, थकान, बदन की थकान, शारीरिक और मानसिक दोनों थकान आ जाती है, और उसमें फिर वो प्रोजेक्ट होने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल सब निकल गया, सब जान निकल गई है और पूरे जल गए, ऐसा लगता है। तो स्पेशली ये प्रोजेक्ट होने के बाद में, कोई बड़ा उत्सव है उसमें भाग लिया आपने, 15-20 दिन तक, एक महीना तक काम करते रहे, उसके बाद में, या शादी है उसके लिए बहुत काम किया उसके बाद में, या कोई घर में बीमार है, हॉस्पिटलाइज किया था, फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, 15-20 दिन, महीना भर, धूमधाम जाना आना ऐसा करना पड़ा उसके बाद में, या अभी जैसा दीपावली है तो दीपावली में काफ़ी लोगों को लगता है कि अभी बर्नआउट हो गए। तो ऐसा कि भाई आराम नहीं करना, आराम नहीं होना या नहीं ले सकना, और फिर उसके बाद में फिर कुछ लक्षण दिखाई देना, उसको बोलते हैं बर्नआउट। तो उसमें लक्षण कौन से दिखाई देते हैं? एक तो ऐसा लगता है कि कोई काम में इंटरेस्ट नहीं, ऐसा लगता है कि बहुत थकान आ गई, उनको लगता है कि मैंने सोना चाहिए, फिर कोई काम में, पढ़ाई में, कहीं भी इंटरेस्ट नहीं लगना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगना, खुद के ऊपर ख्याल नहीं देना, खुद का स्नान करना या ऐसा कुछ खाना पीना उसके ऊपर बराबर ख्याल नहीं देना, और अकेला अकेला रहना और किससे बात नहीं करना, ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और उनको लगता है कि अभी मैंने कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसा होता क्यों है? तो ये होता है कि स्पेशली मानसिक और शारीरिक थकान जो आती है और उसमें जो ड्राइविंग रहता ना, कंटिन्यूस ड्राइविंग, और उसमें वो ड्राइव करते रहता खुद को, और बाद में फिर एकदम वो बर्नआउट हो जाता है। अमेरिका में ऐसा पाया गया है कि डॉक्टर्स और नर्सेस, उनको इतना तनाव है और उनको आराम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है, और उसके वजह से वो बर्नआउट हो जाते हैं। एक एचआर फर्म में जो एक अहवाल तैयार किया, उसमें ऐसा बताया गया है कि हमारे देश के नौजवान जो है, एकदम आईटी वाले जो बच्चे हैं, वो सब दुनिया भर में काम कर रहे हैं, और उनको इतना काम करना पड़ता है, छुट्टियां मिलती नहीं हैं, उनको खुद को प्रूव करना है कि नहीं, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। उनको लगता है कि छुट्टी जो अपनी हक की है वो भी नहीं कभी कभी मिलती है, कभी उनको छुट्टी मिलती है तो वो छुट्टी लेते नहीं है, क्योंकि मुझे प्रूव करके बताना है, मैं समझो छुट्टी लिया तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा ऑफिस से। तो ये सब जो है उसके वजह से वो बर्नआउट जल्दी हो जाते हैं। तो कोई भी जैसा अभी दिवाली में अभी दिवाली हो गई, अभी तो उसमें घर की रिपेयर करना है, रंग रंगोटी करना है, फिर फराल का सामान बनाने का है, फिर इशारों के यहाँ जाना आना करना है, मिठाई देना है किसको, या लोग आ रहे उनका स्वागत करना है और आवाभगत करना है उनकी, तो उसमें फिर वो ऐसा लगता है कि आराम करने का टाइम ही मिला नहीं और वो थक गए। स्पेशली एथलेट्स, स्पोर्ट्समैन, वो किस स्पर्धा में भाग लेते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, और उसके बाद में एक बार वो स्पर्धा हो गई, हार गई जो भी हो जाए, और उनके बाद में उनको लगता है कि अभी मैंने कुछ नहीं करना चाहिए, फिर लोग बोलते हैं अभी मेरे को टाइम ऑफ चाहिए। हमारे इसमें बोलते हैं श्रमो परिहार, कि जो बहुत श्रम हो गया उसका परिहार करने के लिए भी आराम करेंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे, और फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। तो अब इसके जो लक्षण मैंने बताया कि काम की इच्छा नहीं होना, कुछ भी तनाव सहन नहीं होना, चिड़चिड़ापन होना, अकेला अकेला रहना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना, कोई काम करने की इच्छा नहीं और अकेले पड़े रहे, स्नान नहीं करना, खाना पीना नहीं, तो ये जो लक्षण है ये बहुत ज्यादा है, ये हो गए तो फिर साइकियाट्रिस्ट की, मानसोपचार तज्ञ की सेवा लेना या उनका कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए करके क्या करना है? ये नहीं होना चाहिए करके आपको तनाव आ रहा है या प्रोजेक्ट चालू है तो उस समय उसको सजग होना, कुछ भी रहे, कोई प्रोजेक्ट रहे, तभी भी टाइम पे, नंबर एक टाइम पे सोना, नींद नहीं आई तभी टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, ऐसा नहीं कि बहुत लेट सो रहे, सवेरे जल्दी उठ रहे फिर उसमें वो गड़बड़ हो जाती है। तो टाइम पे सोना, नींद नहीं आती तभी भी टाइम पे सो जाना है, एक वो है। सुबह उठने के बाद में एक्सरसाइज रोज करना, कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज करना जरूरी है। फिर मेडिटेशन करना या सेल्फ हिप्नोसिस करना, स्वसम्मोहन, तो उससे काफ़ी रिलैक्स हो जाता है मन। खाने पीने में और डाइट बराबर रखना, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत फास्ट करना वो भी नहीं करना है, तो बैलेंस डाइट करना। और फिर अपने काम की लिस्ट बनाने का है, टू डू लिस्ट बनाने का है, टू डू लिस्ट में से आइटम चेक करते जाना है, और जो ज़्यादा महत्व के है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कठिन है,
उनको पहले लिखना, बाद में कम महत्व के बाद में आइटम लिखना, और वो टू डू लिस्ट में से काम करते जाना, टिक मार्क करते जाना, इसलिए तनाव नहीं आएगा। और फिर दिन भर का प्लानिंग बनाना, जैसे सुबह उठने के बाद में आप दिन भर का यदि प्लानिंग बना दे कि मैं कौन से समय कौन सा काम करूंगा, तो बहुत ज़्यादा बर्डन दिमाग के ऊपर आएगा नहीं, और फिर वो काम आराम से रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा। तो ऐसा यदि करते हैं तो ये जो मेथड्स मैंने बताई है उसमें बर्नआउट नहीं होगा, और समझो ऐसा लगता है बर्नआउट है तो बस ये प्रोजेक्ट होने वाले, सीधी बड़ी छुट्टी लेना 3-4 दिन की, एकदम रिलैक्स हो जाओ, मस्त आराम करो, गाने सुनो, अपना अपने जो बहुत अच्छा लगता है वो काम करो, कहीं घूमने चले जाओ, 3-4 दिन के बाद में आपको अच्छा लगने लगेगा। मगर उसके बाद में भी यदि ऐसा आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं अभी भी, तो फिर साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।